वचन सुनने के बाद आप जो भी सीखते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। Whatever you learn after listening to the words, do tell by comments. अगर आप सूरज प्रेमानी के आर्टिकल चाहते हैं, तो हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जाकर आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हफ्ते में एक आर्टिकल पोस्ट किया जाता है। If you want Suraj Premani article, so go to our community box. You can read the article. Over here, one article is posted a week. आइए, मैं चाहता हूँ आप अपने पास जो आपके बैठे हैं उन्हें कहिए, खुदा आपके साथ है। yes. उन्हें कहिए आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत आशीष देने वाला है। Amen. कितनों के विश्वास करते हैं ये होगा। yes. Amen. So, आज लास्ट डे है। मैं बिलीव करता हूं ये अंत नहीं, एक खूबसूरत शुरुआत है। आमीन। यस। और मंथ ऑफ मई में मैं फिर से आऊंगा उड़ीसा में, लेकिन किसी और जगह पे आऊंगा। हम आपको सूचना देंगे इस बारे में, लेकिन आप सबसे गुजारिश है कंटिन्यू अपने अपने चर्चेस में जाइए, अपने पास्टर को सपोर्ट कीजिए। फिजिकल चर्च जाने के कल्चर को कभी नकारे नहीं, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी अपनी कलीसियाओं में जाएं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं कभी वीकेंड्स में कभी भी नहीं जाता किसी भी जगह पे। मैं सैटरडे संडे कभी भी कहां पर भी नहीं आता, कुछ भी, कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति। क्या रीजन है उसका? क्योंकि हम चाहते हैं लोग संडे को अपने अपने चर्च में जाए। हमें किसी भी शहर की यूनिटी को ब्रेक करने का कारण नहीं बनना है। हम ऐसे बने कि हमारे जाने के बाद हर जगह पे यूनिटी और बढ़े। आमीन। आपने जो कुछ भी इन दिनों में सीखा है, अब अपने चर्च में जाके उसके फ्रूट्स दिखाइए, तब यहां पर आना आपका सफल होगा। मैं कुछ धन्यवाद देना चाहता हूं कुछ लोगों का, उसके बाद मैं छोटे से वर्ड ऑफ गॉड में आऊंगा आपके साथ। मैं पहली बार आया हूं बलांगीर, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आई एम नॉट जस्ट सेइंग, आई रियली मीन इट। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूं, मैं इन बातों का अपने आप में अर्थ रखता हूं। बहुत प्यार पाया मैंने, बहुत इज्जत पाई मैंने यहाँ, और मैं कुछ लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि जैसे कि हमारे बिशप सर हैं और उनकी टीम, और भाई सत्यदीप, और मैं चाहता हूँ आइए इस खूबसूरत टीम के लिए हम ताली बजाएं। आप लोग आके बैठे हैं, लेकिन आपको नहीं पता है मीटिंग्स के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना काम होता है। कोई लेके आएगा, कोई बनाएगा, कोई खिलाएगा, कोई उठाएगा, ये स्टेज वगैरह वगैरह, बहुत सारा काम होता है। मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, पता नहीं कितनी परमिशंस लगती है। सो बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं इस टीम के लिए, आनंद महोत्सव के लिए। सेकेंड थिंग, मैं बहुत धन्यवाद हूँ कि उड़ीसा की जो हमारी सरकार है उसने हमें परमिशन दी इस मीटिंग को करने के लिए। मैं कल वहाँ देख रहा था, वहाँ पर दो पुलिस वाले भाई बैठे थे, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए। खुदा हमारी सरकार को और भी ज़्यादा आशीष दे। आमीन। और मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ इन भाइयों के लिए जो मेरे साथ साथ गा रहे थे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, सपोर्ट दिया। आइए, मैं चाहता हूं इस खूबसूरत टीम के लिए ताली बजाएं।
और जो भी वॉलंटियर्स हैं, एशर्स हैं, यू आर द रियल हीरोज एक्चुअली, है ना, जो लोगों को बिठाते हैं. आइए एक ताली हम उनके लिए बजाएं. और आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद. 3 दिनों से आप लोग मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है. इट्स अ वेरी बिग थिंग. क्योंकि आप जानते हो मैं कैरेक्टर के ऊपर प्रेज करता हूँ, तो कभी कभी मुझ जैसे लोगों को सहन करना, इट्स नॉट ईजी. ओके. और एक हमारे भाई थे जो 2-3 दिन से वर्शिप कर रहे थे, वो कहाँ है? ओह, यू आर. आइए हम प्रभु के दास के लिए ताली बजाएंगे. थैंक यू ब्रदर. थैंक यू. मैं आपका नाम नहीं जानता, लेकिन हाँ जी, अच्छा आमोस, तो नबी आमोस जी, थैंक यू. थैंक यू सो मच. आपको परमेश्वर आमोस की तरह इस्तेमाल करे. आमीन. आप बहनों को भी धन्यवाद. एक आप ही हो जो आप गा रहे थे, मेरे को समझ नहीं आ रहा. यू आर द ओनली पीपल. बाकी सब उड़िया में गा रहे थे यार. मैं इनकरेज करता था, हाँ आप गाइए. लेकिन ये बहनें जब आ रही थी तो हिंदी में गा रही थी. मैं इनके आने का वेट कर रहा था कि जल्दी ये लोग आ जाए. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. ओके, आप सब तैयार हैं? yes. चलिए, 6-7 लोग हैं. ओह, प्रेज द लॉर्ड. आप सब तैयार हैं? ओके. कितने लोग मेरे मीटिंग के बाद पादरी साहब के पास जाएंगे और कहेंगे इस खड़ूस को फिर मत बुलाइए? हाथ उठाया किसी ने? नहीं नहीं. ओके, यहां से कोई जाएगा? ओ, क्यों बुलाते हो उसको? हम लोग को वो प्रकाशक बताओ जो कार, बंगला, गाड़ी के लिए बात करे. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल से दूर भागी. कुछ लोगों ने मुझे कहा था, ब्रदर आप कहते हो प्रॉस्पेरिटी प्रीच करना गलत है, कहां लिखा है बाइबल के अंदर? मती के 4 अध्याय में घर जाके पढ़िए. Devil offer Jesus prosperity. मेरे सामने जब मैं तुझे सब दे दूंगा. He also offer prosperity. हमें वो देना चाहिए लोगों को जो परमेश्वर चाहता है. आमीन. Yes. क्या चाहता है खुदा? पवित्र बनो क्योंकि वो पवित्र है. Be holy because our God is holy. परमेश्वर आपको सब देता है, वो आपको हर तरह की सुख सुविधा देता है. लेकिन उसका सिर्फ ये उद्देश्य नहीं है कि आपके पास सिर्फ दुनिया की सारी चीजें हो. वो चाहता है सबसे पहले कि हम पवित्र बने क्योंकि वो पवित्र है. आमीन. सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट मैसेज. चलिए, मैं वचन को शुरू करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं. आपसे नम्र निवेदन है, कोई भी चलती हुई सभा में फोन यूज न करें. फोन बंद कर दीजिए, कोई फोटोज मत लीजिए. ये टाइम फोन निकालने का नहीं, खुदावन के कलाम को सुनने का है. ओके, क्या आप सब तैयार हैं? yes. सुनिए, आप जानते होंगे जीसस दृष्टांतों में बात करते थे. जीसस मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पीक इन अ पैराबल्स. क्या होता है दृष्टांत? दृष्टांत को इंग्लिश में कहते हैं हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स. कुछ स्वर्गीय सच्चाइयां पृथ्वी की बातों को जोड़ जोड़ के वो बताता था. जब उसने देखा कि किसान खड़े हैं, तब उसने अपने हाथ में बीज लिए और कहा परमेश्वर का राज बीजों की तरह है जो अच्छी जगह पे बोए गए. जब वो हाउसवाइफ, जो बहनें होती हैं, उनको देखता था, तो उसने अपने हाथ में खमीर लिया और कहा परमेश्वर का राज्य एक खमीर की तरह. जब उसे व्यापारियों को देखा, तो उसने देखा, तो उसने अपने हाथ में मोती ले लिया और कहा परमेश्वर का राज्य उस व्यापारी की तरह है जिसने अच्छी चीजों को लेने के लिए सब कुछ बेच दिया सिर्फ मोती खरीदने के लिए. जब वो देखता था लोग कैसे समझेंगे, वो हमेशा उनको वैसे ही समझाता था.
कई बार हम लोगों को हनोक के बारे में बताते हैं जबकि वो यीशु को भी नहीं जानते थे। बहुत बार हम लोगों को इब्राहिम के बारे में बताते हैं जबकि वो पतरस को भी नहीं जानते। हमें लोगों को वैसे समझाना चाहिए जैसे वो समझ पाए। मैच्योरिटी यही होती है, बच्चों के साथ बच्चे हो जाइए, जवान के साथ जवान हो जाइए, बड़ों का आदर करिए। दैट्स कॉल्ड अ मैच्योरिटी। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये भी एक दृष्टांत है, लेकिन ये दृष्टांत नहीं है, इट इज ट्रुथ, ये सच्चाई है। एक जगह पर उसने कहा कि एक बंदा था जो एक अमीर व्यक्ति के घर के पास बैठता था, उसका नाम लाजर था। वो अमीर एक लेविश लाइफ जीता था, उसके कपड़े ब्रांडेड होते थे, उसका भोजन अच्छा होता था, उसके पास बहुत कुछ था, और कभी उसने ये चीज जाननी भी नहीं चाही कि मेरे घर की डेवड़ी पे कौन बैठता है। लाजर बीमार होता था, उसके बदन में जख्म थे, कभी कभी उन जख्मों से ब्लीडिंग बहती थी और कुत्ते आके उस ब्लीडिंग को चाटते थे। बाइबल बताती है एक दिन दोनों मर गए। आप पढ़ के देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लोगों के नाम है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये सत्य है। कभी भी यीशु दृष्टांतों में किसी का नाम नहीं लेते थे, लेकिन इसमें उन्होंने सबके नाम लिए, धनवान को छोड़कर, इसीलिए ताकि उसका परिवार परेशान न हो, क्योंकि वो जब नरक गया तो उसका परिवार जिंदा था। आप जानते हैं जब ये बंदा लाजर और धनवान दोनों मर गए, बाइबल बताती है धनवान नरक और लाजर इब्राहिम की गोद में गया। अब जब उस धनवान को चटके लग रहे थे आग के, तब वो इब्राहिम से कहता है, लिखा है आंखें उठाकर देखा और कहता है, हे पिता इब्राहिम, मेरे पांच भाई हैं, इस लाजर को बोल वहां जाए और उन्हें बताए कि सच में नरक नाम की चीज है और वे मन फराए। जिन लोगों ने जीते जी प्रार्थना नहीं की है वो मरने के बाद जरूर दुआ करेंगे। जिन लोगों ने अपनी जीते जी कभी दुआ नहीं की थी ना, उनको मरने के बाद जरूर दुआ करनी पड़ेगी। लेकिन यह बात याद रखिए, कोई दुआ सुनी नहीं जाने वाली, क्योंकि बाइबल बताती है मरने के बाद परमेश्वर का स्मरण नहीं है। कब्र में पड़ा हुआ व्यक्ति उसकी सच्चाई नहीं जान सकता, न मरा हुआ खून उसे पुकार सकता है, दाऊद कहता। आप जानते हैं द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, उसने उसे पुकारा, हे पिता इब्राहिम, इस आदमी को भेज मेरे घर पे मैसेज लेके, उसे बोल मेरे घर पे जाके कहे सबको कि मन फिराओ। आप जानते हो एक व्यक्ति जब नरक में पैर रखता है उसे सेकंड में पता चल जाता है कि मैं यहां पर क्यों हूं, सिर्फ पाप की वजह से, बिकॉज ऑफ द सिन। इसलिए वो कहता है किसी को भेज कि वो मन फिराए, पश्चाताप करे, दे रिपेंट। इब्राहिम कहता है कोई नहीं जाएगा वहां, उनके पास किताबें, वो उन्हें पढ़े और बचे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज इस मीटिंग के, आज इस महोत्सव के लास्ट दिन पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम ने कहा उनके पास किताबें हैं, उन्हें पढ़े। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी संस्था, किसी पास्टर, किसी वक्ता, किसी बड़े व्यक्ति की वजह से नहीं, हर व्यक्ति केवल इस वचन की वजह से उद्धार पा सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने जिंदगी की नींव परमेश्वर का वचन बनाइए। खुदा का कलाम आपकी बुनियाद होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं पहचानिए क्या वचन उस चीज को सपोर्ट करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुदा के कलाम से अधिक बड़ों की परंपराओं को मान रहे हैं।
आज से बहुत साल पहले मैंने एक निर्णय लिया, मैंने कहा खुदा कोई भी ऐसी चीज जो बाइबल में नहीं लिखी है पूरा भारत माने, मैं नहीं मानूंगा, पूरी इंडिया फॉलो करे, आई विल नॉट। मैं आपको भी कहना चाहता हूं सिर्फ बाइबल पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, आपको पढ़ने के बाद कई बार जिंदगी में हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते, आपको निर्णय लेने पड़ते। परमेश्वर निर्णयों के ऊपर अनुग्रह देता है इंसान। वचन कहता है जकई के घर यीशु आया, एक रुपया अब तक जकई ने किसी को नहीं दिया। जकई ने सिर्फ निर्णय लिया कि जिस जिस को लूटा है हर एक को दे दूंगा। अब तक एक रुपया भी नहीं दिया गया था, जस्ट उसने निर्णय लिया। प्रभु ने उस निर्णय को देखकर कहा देखो आज इस घर में उद्धार आया है। God honor your decisions, not your imaginations. बहुत बार हमारी जिंदगी ख्याली बुलाओं में जिंदगी चलती है, ओ मैं ये बनूंगा, ओ मैं ये बनूंगा, ओ मैं ये बनूंगा, पर कुछ भी बनना एक डिसीशन लेने से होता है। आप सोच सोच के कहीं भी नहीं पहुंच सकते। लाइफ इज अ सीरीज ऑफ डिसीशंस, नॉट द सीरीज ऑफ चॉइसेस। जिंदगी हर दिन निर्णय लेके जी जाती है, जिंदगी मौकों की तलाश नहीं करती। इसीलिए हमारी बाइबल की शुरुआत भी ऐसे ही होती है कि परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने एक दो पेड़ रखे, जीवन का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, और परमेश्वर वेट कर रहा था कि इंसान क्या निर्णय ले। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप में से यहां पर कुछ लोग हैं, मैं बड़ी दृढ़ता से कहता हूं आज आप में से यहां पर बहुत लोग हैं, कुछ नहीं बहुत लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं, जो मोबाइल में कई घंटों पर बिजी रहते हैं, पर आप में से बहुतों को यहां पर परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। अपनी इस आदत से छुटकारा पाई। 18 साल पहले मैं प्रभु में आया। बिलीव कीजिए उन दिनों में एंड्रॉयड फोन नहीं होते थे, उन दिनों में वो फोन होते थे बटन वाले, यू नो बटन वाले फोन होते थे, देखा था आपने। 100 मैसेजेस आ जाते थे ना तो नया मैसेज पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे, ऐसा फोन यूज करते थे। मेरे पास फोन नहीं होता था, मैं हमेशा अपनी बाइबल, अपना न्यू टेस्टमेंट यहां पॉकेट में कैरी करता था। जहां कहीं मुझे मौका मिलता था मैं उसे पढ़ता था। आज आप देखिए आपके लिए वचन को पाना कितना आसान है। सुबह उठो, अपना व्हाट्सएप ऑन करो, हजारों मैसेजेस आ जाते हैं आपके पास। लेकिन बिलीव मी, जब मैं प्रभु में आया तो ये एंड्रॉइड फोन्स नहीं होते थे, वो फोन होते थे बटन वाले, बड़े मजबूत होते थे वो, सातवें वाले से फेंक तो टूटते नहीं थे, ऐसे फोन होते थे। लेकिन आज सोचिए जब से ये एंड्रॉइड आए हैं, ये स्मार्टफोन आए हैं, आप देखिए आप सुबह व्हाट्सएप ऑन कीजिए, अपनी इंटरनेट ऑन कीजिए, कैसे मैसेजेस आते, इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं। आज कितना आसान है खुदा का कलाम पाना। अपने जीवन की बुनियाद को बदलिए। चेंज योर foundations। बाइबल बताती है अंत के दिनों में वो हर नींव को हिलाएगा। जब आपकी नींव हिलने लग जाए तो आप समझ जाना ये वो नींव नहीं है। परमेश्वर आपको इंडिकेशन दे रहा है तू गलत जगह पे खड़ा है, यहां से निकल और सही नींव पे आ। सही नींव उसका वचन है। बोलो यीशु मसीह की जय। आप जानते हो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा। एक दिन यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने चेलों को कहा चलो उस पार चलना है। अब उस पार जाने के लिए एक बोट का सहारा लिया गया। जैसे ही वो उस पार चलने लग गए लिखा है तूफान आ गया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं शैतान आपके खिलाफ नहीं है, शैतान यीशु की कही हुई बात के खिलाफ है।
वो सब कुछ करेगा ताकि उसका वचन पूरा ना हो। शैतान आपके खिलाफ नहीं है, वो उसके कलाम के खिलाफ है। यीशु ने कहा उस पार चलना है, यीशु ने अपने मुंह से वचन का कितनी सारी रुकावटें आई ताकि वहां पर न पहुंच पाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं अंत में वचन जीता। आमीन। वचन के साथ खड़े रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं अंत में वचन ही जीतेगा। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर उसकी कही हुई कोई बात नहीं टलेगी। स्टैंड ऑन हिज वर्ड। लड़ाई आपकी और शैतान की नहीं है, लड़ाई शैतान और खुदा की है। हम बीच में आ गए। तो कितने लोग आज के कलाम के लिए तैयार हैं? आइए अपने हाथ को उठाएं, कहिए प्रभु मुझे सही नींव पे खड़ा कर ताकि मैं मजबूत बनूं, ताकि मेरा घर स्थिर हो, यीशु मसीह के नाम में। आमेन। मेरे साथ खोलिए गिलातियों की किताब, उसका दूसरा अध्याय। ओपन विद मी द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 2। जो भी लोग बैठे हैं इस ग्राउंड में, आप कोई भी हैं, प्लीज अपनी अपनी बाइबल को खोलिए। गिलातियों 2 अध्याय चैप्टर 2। थैंक यू जीसस, थैंक यू। सबने खोल लिया? जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं कभी भी उनको नहीं मिलेगा जल्दी, उनको थोड़ा टाइम लग जाएगा। कुछ कुछ लोगों की बाइबल बड़ी चिपकी हुई रहती है, पेपर बड़े चिपके हुए रहते हैं क्योंकि खुलती ही नहीं है ना घर में। बहुतों की बाइबल खाली संडे सुबह खुलती है, am I right? और कुछ लोगों की तो संडे भी नहीं खुलती। तो एक बार मैंने अपने कलीसिया में खड़े होकर कहा सपनिया की किताब खोली, तो एक बहन ने कहा सपनिया की किताब तो लाया ही नहीं है। मैंने कहा बाइबल नहीं है। उन्होंने कहा हम तो बाइबल लेके आए हैं। मैंने कहा हाँ बाइबल के अंदर ही है। कुछ लोगों को यह भी नहीं पता है कि सपने की किताब है बाइबल के अंदर। आप विश्वास कीजिए एक दिन सपने आपको ऊपर मिलेगा, वो आपको बोलेगा एक दिन मैंने 2 चैप्टर लिखा आपने वो भी नहीं पढ़ा, क्या आंसर करोगे उसको आप? वो कहेगा मैंने मत्ती की तरह 28 अध्याय नहीं लिखे, लेकिन आई राइट ओनली 2 चैप्टर। आपको ऊपर सब राइटर मिलेंगे। डैनियल आपसे पूछेगा मेरे 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 लेटर को पढ़ा आपने? मैंने थोड़ी ज्यादा बड़ा लिखा, मैंने तो खाली 11 चैप्टर्स लिखे, आपने वो भी नहीं पढ़े। योना नबी आपसे मिलेंगे, वो भी आपसे पूछेंगे आई रोट ओनली 4 चैप्टर्स, आपने वो भी नहीं पढ़े। तो क्या बोलोगे उनको आप? प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एटलीस्ट अपने लाइफ में एक नहीं कई बार बाइबल कंप्लीट कीजिए। ओके, आपको मिल गया गिलाती हो? वाह, थैंक यू, प्रभु को धन्यवाद, खुदा का शुक्र है हमें मिल गया। गिलातियों चैप्टर 2, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 अध्याय का 20वां वचन। यहां पॉल कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ पे जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिससे मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन अपने लिए लाउडली पढ़ना है। ओके, आप चाहें तो आप अपनी उड़िया लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। 1, 2, 3 आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। बहुत साल पहले जब यीशु मसीह की क्रूस पे मृत्यु हुई और वो मुर्दों में से जी उठे,
और उसके जाने के बाद जब पहली बार पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल में पवित्र आत्मा उतरा, तब वहां से चर्च बॉर्न हुई, चर्च बनी वहां से। जब हमारे पहले के भाई बहन नंबर्स में ग्रो होने लग गए, संख्या में बढ़ने लग गए, तब उन दिनों में चर्च के बहुत सारे लोग विरोध करने लग गए। वो हमारे भाई और बहनों के अगेंस्ट में थे, पर वचन कहता है कलीसिया बढ़ती गई अनुग्रह में, परमेश्वर के भय में, पवित्र आत्मा की सामर्थ में। और सबसे अच्छी बात जो पहले की कलीसिया में थी, किसी के मन में किसी के लिए कड़वाहट नहीं होती। लिखा है वो मन की सीधाई से भोजन करते थे। आज ये आपको बहुत रेयर मिलेगा। आज बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति कड़वाहट होती है, लेकिन बाइबल बताती है पहले की कलीसिया बड़ी सीधाई से एक दूसरे के साथ मिलते थे, मन की सीधाई से भोजन करते थे वो। लेकिन जब जब चर्च बढ़ती गई उनका विरोध बढ़ता गया, और उनमें एक बहुत खतरनाक व्यक्ति था जो उनको मारने पे तुला था, जिसका नाम था शाऊल। बाइबल बताती है वो कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, वो कलीसियाओं को परेशान कर रहा था। आप जानते होंगे बाद में वो पौलुस बना। जब पौल प्रभु यीशु मसीह से आमने सामने मिलता है, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने उसे इब्रानी भाषा में बातें की। अग्रिप्पा को वो अपने बारे में बताता है, कहता है मैंने किसी को देखा तो नहीं, परंतु मैंने इब्री में कुछ सुना। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा। तब उसने प्रभु से कहा आप कौन हैं? तब उसने कहा मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सता रहा है। और अब सभी जानते हैं वहां से पौल बदल गया और उसने प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी, और वहां से वो खुदा का एक खादिम बना, एक परमेश्वर का सेवक बना। अब वही पौलुस हर जगह पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बातें करने लगा, वो उनको सुसमाचार बताया करता था। और वही पौल एक कलीसिया को लिखता है, गिलातियों को, वो कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूं, और अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित है, और अब जो मैं जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो खुदावर के बेटे पर मेरा है। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जो भी लोग यहां वहां देख रहे होंगे अब तक, वे सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। पौलुस यहां पर यह नहीं कहता कि मैं मर गया हूं, पौलुस मर गया हूं, नो। पौलुस कहता है मेरे अंदर एक स्वभाव है जिसका नाम है मैं। बोलिए मैं। हां, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की। अगर हम में से हमारे अंदर से मैं निकल जाए ना, तो मैं आपको सच कहता हूं हम सच में आश्रित होंगे। बोलिए मैं। हां, एक दिन हमारी बिल्डिंग को बहुत सजाया गया, तो जो लाइटिंग्स थी, हमारे बॉम्बे में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो ऊपर से लाइटिंग लगाई गई। मैं रात को आया, वेलकम बोर्ड लगा हुआ था बिल्डिंग के नीचे और पूरी लाइट्स थी, तो मैंने वॉचमैन से पूछा क्या हो रहा है। बोला सर वो आपके घर ऊपर वाले घर में शादी है। मैंने कहा अच्छा शादी है। बोला हाँ हाँ शादी है। तब मुझे पता चला ये शादी एक हफ्ते के बाद है। अब मैं हर दिन जब भी घंटी बजती थी मुझे लगता था ये आए हैं काटने। मैं कई बार दरवाजा खोलता था और वो नहीं होते थे। लेकिन आप विश्वास कीजिए उन्होंने पूरी बिल्डिंग को काट दिया सिवाय हमें छोड़कर, सबको काट दिया लेकिन हमें नहीं दिया। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे
हमारे घर में शादी होगी, हम भी नहीं देंगे। हम भी नहीं देंगे। एक्चुअली वो मेरा फ्रेंड है, वो मेरा दोस्त, लेकिन हमें कार्ड नहीं दिया। एक दिन हम लिफ्ट में नीचे उतर रहे थे, वो भी साथ में, मैं भी साथ में था। जानते हो उसने क्या किया? मेरे इस कंधे पे हाथ रख के कहा, तू मेरी शादी पे नहीं आया? मैंने कहा, तूने बुलाया क्या? एक्चुअली मुझे बाद में पता चला इन लोगों ने ये काम इंटेंशनली नहीं किया था, ये सच में हमें कार्ड देना भूल गए। सबको दिया, लोग शादी से आ आके हमें कहानियां बता रहे थे, क्या खाना था और एक क्या कोल्ड ड्रिंक थी। और ये सब सुन के मेरी जान ऐसे जल रही थी अंदर में, मुझे मन कर रहा था मैं इनको क्रूज पे चढ़ा दूं। ब्रदर आप उस टाइम पे मसीह में थे? हाँ बिल्कुल मैं मसीह में था, लेकिन मैंने डिसाइड किया जब हमारे घर में शादी होगी मैं सबको दूंगा, मैं इनको सामने बुलाऊंगा और दूसरों को दूंगा। एक दिन मैं ये वचन पढ़ रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा, क्यों हर्ट हुआ तुझे? जानता है क्यों? क्योंकि तेरा मैं जिंदा है। जब तक ये मैं खत्म नहीं होगा, विश्वास कीजिए आपका संबंध किसी से भी अच्छा नहीं होगा। चर्च के अंदर संबंध खराब होंगे, घर के अंदर संबंध खराब होंगे, कलीसिया के अंदर संबंध खराब होंगे, जहां आप काम करते हो वहां पर संबंध खराब होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ सब पे गलत बातें दिखेंगी। आपका प्रॉब्लम जानते हो क्या है? बिकॉज आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों से इज्जत डिजायर करते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आपको लोगों को थोड़ी थोड़ी बातों पर आपको ठेस पहुंचता है? एक दिन एक लड़की कपड़े धो रही थी। ओके, दिस इज नॉट रिटन इन बाइबल, इट्स जस्ट माय इमेजिनेशन, ये वचन में नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं ऐसा हुआ होगा। एक दिन एक लड़की कपड़े धो रही थी, छोटी सी गुड़िया थी, आई थिंक 9 या 10 साल की होगी। कपड़े धोते धोते उसने क्या देखा होगा कि कपड़ों पे थोड़ा खून लगा हुआ है और खून में से बड़ी बदबू आ रही है। और एक दिन वो मालकिन के पास जाके कहती है, मालकिन ये खून लगा हुआ है, मालिक की तबीयत तो ठीक है ना? बोलती है, चुप कर, मैं तुझे बता रही हूं, तेरे मालिक को कोड है। और जानते हो क्या हुआ? वो लड़की अपनी मालकिन को कहती है, मेरा स्वामी कोड़ी क्यों है? उसे इज़राइल भेज, वहां पर एक भविष्यवक्ता है एलीशा, उसको बोल के उससे प्रार्थना करवा के आए। बाइबल बताती है नमान अपने घर से बहुत कुछ लेकर इज़राइल के लिए निकला, और जैसे ही वो इज़राइल में पहुंचा वहां पर कैची था एलीशा का सर्वेंट, और जैसे ही कैची ने देखा कि नमान आ रहा है, जानते उसने क्या किया? उसे एलीशा को जाके बता दिया, एलीशा नमान आया है, नमान कोड़ी। जानते हो एलीशा ने क्या किया? एलीशा ने कहा, उसको बोलो यर्दन नदी पे जाए, डुबकियां मारे, वो चंगा हो जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद नमान आग बबूला हो गया। बोलिए आग बबूला। हाँ बोलो, आग लगी। अब मुझे एक बात बताइए, उस बंदे ने क्या गलत बोला? क्या प्रॉब्लम आई इधर को? कुछ लोग हैं ना, चाहते हैं हम है ना उनको हमेशा गोद में उठा के लेके चले। क्या हुआ जी? कान खाया, पानी पिया, सारा दिन हम उन्हें गोद में लेके जाके सारा दिन उनको इज्जत देते रहे, हर जगह पे उनको जाते रहे। नमान को परेशान एलीशा ने नहीं, बोलिए उसके मैंने किया। बोलो उसके मैंने किया। अरे हजार लोग आपकी इज्जत करें, प्रभु का धन्यवाद। आपको आप क्यों भूख रखते हो कि जहां पर भी आप जाएं लोग आपको देखें, लोग आपके बारे में सोचें, लोग आपके बारे में बात करें, जब भी आप आओ लोग उठ के खड़े हो जाएं, आपको सैल्यूट करें? आपको पता है आप में कितना मैं जिंदा है? कुछ लोगों को इज्जत नहीं मिलने पर चर्च छोड़ देते, मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? कोई मेरे पे ध्यान नहीं देता। अच्छा मैं नहीं आऊंगा, क्यों? मैंने बोला था वो बात हुई नहीं। मेरे कलीसिया में कोई भी खड़े होकर कहता है ना,
मैं नहीं आऊंगा कल से, मेरे को इज्जत नहीं दी। मैं खड़े होके कहता हूं कल से क्यों, आज से निकल, कल क्यों, आज निकल। हमें जरूरत ही नहीं है ऐसे लोगों की जो मसीह में आने के बाद भी अपने मैं में जिंदगी जीते हैं। आप पढ़ के देखिए, पॉल ये नहीं कहता कि पॉल मरा है, पॉल कहता है मैं क्रूस पे चढ़ा हूं। आई नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिनको परमेश्वर उनके मैं को मार रहा है और आप उसको मरने दे रहे हैं? क्या लगता है आपको, सारे गंदे बर्ताव शैतान लेके आता है? जी नहीं ब्रदर, कभी कभी परमेश्वर भी आपके आसपास ऐसे लोग रखता है जो आपसे अच्छा नहीं चलते। धन्यवाद करो इन लोगों का, यही वो लोग हैं जो आपके मैं को मार रहे हैं। क्या लगता है आपको, हर बार आपके साथ जो गलत होता है वो शैतान करता है? हम लोगों ने ना हर जगह पे शैतान को इतना बदनाम किया है, शैतान उड़ीसा के लोगों से इतना तंग हो चुका है, कभी कभी तो वो परमेश्वर के पास जाके कहता है मेरे नाम का बिल फटता है, मैंने कुछ किया नहीं। आजकल मुझे एक बात बताओ मेरी बहनों, इधर देखो बहनों, बहने इतना बड़ा हील अगर आप पहनेंगे आप गिर जाएंगे, शैतान नहीं गिरा। लाइट का बिल नहीं भरा, लाइट काट के चले गए, शैतान ने बंद किया। हमारे जिंदगी में जो नेगेटिव होता है शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। कई बार शैतान खुदा के पास जाके कहता है मैंने क्या किया, हर बार मेरे नाम का बिल फटता है, ये लोग विश्वासियों को इनको कुछ सिखाओ, ये लोग वहां पर मुझे घसीटते हैं जहां मैंने कुछ किया भी नहीं है। आजकल विश्वासी कुछ भी होता है ओ शैतान ने किया, शैतान ने किया। रात पर आइसक्रीम खाएंगे, सुबह जुकाम होगा, मां पूछेगी क्या हुआ, शैतान ने बीमार किया। शैतान घूर घूर के देखता है यार ये लोग खतरनाक लोग हैं यार, हर जगह मुझे घसीटते हैं ये लोग। एक आदमी दरिया किनारे सोया हुआ था, शैतान आया, शैतान ने उसको लात मारी, उठ इधर से। वो आदमी ऊपर देखता है क्या हुआ, मार क्यों रहा तू, होता है उठ, तू साइड चेंज करेगा, पानी में गिरेगा, फिर लोग कहेंगे मैंने गिरा। अरे हर जगह शैतान नहीं है। कल अगर चलाते चलाते ये साउंड सिस्टम बंद हो जाए, शैतान, अरे वायर ढीला है, काय को इतना उस गंदे व्यक्ति का नाम लेते हो, लायक है क्या हमारा नाम लेने से? अगर नाम लेना ही है तो वो नाम लो जो सब नामों में श्रेष्ठ है, वह नाम यीशु मसीह है। Let's talk about Jesus। शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया, शैतान ने किया। गुटखा खाएगा, सिगरेट पिएगा, फिर कैंसर होगा, क्या हुआ, शैतान ने किया। शैतान बोलेगा गुटखा तू खा रहा है, नाम मेरे ऊपर। खुदा की आंखें खोले, मुझे एक बात बताइए, मेरा मन कर रहा है मैं नीचे उतरू, मुझे एक बात बताओ, हम लोग प्रार्थना करते हैं 5 मिनट, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं 5 मिनट, हर हफ्ते कभी कलीसिया जाते हैं कभी नहीं जाते, मेरे को एक बात बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं जो शैतान परेशान, हम लोग तो ऑलरेडी उसके हाथ में। 5 मिनट दुआ करते हैं, 10 मिनट बाइबल पढ़ते हैं, उपवास रखे हमें जमाने हो गए हैं, फिर भी शैतान शैतान शैतान। कहिए अपने पास वाले को, हर जगह शैतान नहीं है। हेलो, कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? हर जगह पे शैतान को घसीटते हैं। क्रिकेट खेलेंगे, सीजन बॉल लग गया, अरे क्या हुआ, शैतान ने मारा, अरे शैतान ने कैसे मारा, आदत पड़ गई है बहुत, पूरी जिंदगी गलतियां करेंगे और जब तकलीफ आएगी। बाइबल बताती है बहुत बार शैतान नहीं है,
बहुत बार हम स्वयं होते हैं. वी आर द कॉज ऑफ दिस ऑल केओस. पॉल कहता है परमेश्वर ने मुझे क्रूस पर चढ़ाया है, उसने मेरे अंदर जो मैं है उसे खत्म किया है. आप चाहते हैं आपका मैं खत्म हो? कितने लोग चाहते हैं हमारा मैं खत्म हो? मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर जो चाहता हूं खुदा मेरा मैं खत्म हो. आपको आपको चाहिए खत्म होना है मैं? एक काम करेंगे, आज से सुनना सीखो. बोलिए सुनना सीखो. जब कोई आपको डांटता है, कोई आपको करेक्ट करता है, चुपचाप से सुनो. हम लोग सामने वाले की बात को आधे में बंद करके एक्सप्लेन करते हैं, ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. अरे सुन तो लो. इसीलिए शमूएल शाऊल से कहता है क्या सुनना बलिदान करने से उत्तम नहीं? क्या आज्ञा पालन चर्बी चढ़ाने से उत्तम नहीं? कई लोग सुनते ही नहीं, उनको थोड़ा डांटो नाराज हो जाएंगे, थोड़ा डांटो. आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस याकूब और यहूदा को अपने करीब क्यों रखा था? आप पढ़ के देखिए, वो उन नौ को अलग अलग रखता था, इन तीनों को अलग रखता था. बहुत सारी जगहों पर वो नौ को नहीं तीन को लेके जाता था. क्यों? क्योंकि ये तीन ऐसे थे जो डांट सुनने के बाद भी उससे अलग नहीं होते थे. आपको मैं कह दूं आप शैतान हो, जीवन पर आप मुझसे बात नहीं करोगे. यीशु ने शैतान पतरस को क्या कहा एक दिन? शैतान मुझसे दूर हो. अगले दिन भी पतरस उसके साथ खड़ा था. जब परमेश्वर देखता है कि मैं एक व्यक्ति को डांट रहा हूं, करेक्ट कर रहा हूं, और वो फिर भी मेरे साथ बना हुआ है, ऐसे को खुदा वहां ले जाना ले जाता है जहां वो खुद जाता है. बाइबल बताती है भटकना चाहते हो तो शिक्षाओं को सुनना बंद कर दो. निधि वचन में दाऊद सुलेमान को कहता है हे मेरे पुत्र यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बंद कर दे, तू खुद ही भटक जाएगा. अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन की शिक्षा न सुने, बाइबल बताती है वो भटक जाएगा. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 99 बेड़ों में हैं, फिर भी भटके हुए हैं कलीसिया के. पॉल कहता है यहां पर मैं मर गया. बोलिए मर गया. कौन मरा? पौलुस के मैं नॉट पॉल. पॉल कहता है मैं जिंदा हूं लेकिन मेरे अंदर एक स्वभाव है जो मेरे बाप दादाओं से मुझे मिला था. वो मैं जो है वो परमेश्वर ने क्रूस पे चढ़ाया. मेरे भाइयों मेरी बहनों, यीशु मसीह ने नहीं कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो सबसे पहले ट्रेन हो कि शैतान से कैसे लड़ा जाता है. उसने ये नहीं कहा, उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह अपना इनकार करना सीखे. परमेश्वर के पीछे चलने के लिए शैतान सबसे बड़ी हिंडरेंस नहीं है. सबसे बड़ी हिंडरेंस हम खुद हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट. मेरे से क्यों नहीं पूछा, मुझे आदर क्यों नहीं दिया, मुझे मुख्य स्थानों में क्यों नहीं बिठाया, मेरे से बात क्यों नहीं की, मेरे से क्यों नहीं पूछा. मैं आपसे कहना चाहता हूं आखिर ये मैं कब मरेगा? उसे मरने दो, अलाउ करो परमेश्वर को. प्रभु तुझे जहां जहां से चाहिए मुझे ले चल, लेकिन इस मैं को खत्म कर, नहीं तो मैं किसी के साथ नहीं बन पाऊंगा अपने जीवन में. सब कुछ खत्म हो जाएगा आपके लाइफ में अगर आपका मैं खत्म नहीं हुआ तो. पॉल कहता है मैं मर गया, और अब जब मैं अंदर से खत्म हो गया उसके बाद वो कहता है अब मेरे अंदर मेरा सच्चा स्वामी रहने के लिए आया है जीसस यीशु मसीह. अब जानते हो जहां पर मैं था अब पौलुस के अंदर वहां यीशु रह रहा है. और जानते हो क्या कहता है? उस परमेश्वर ने अब मुझे विश्वास से जीना सिखाया. बोलिए विश्वास. एक्चुअली मेरा मैसेज मैं नहीं था, मेरा मैसेज ये है जो मैं अब बोलने वाला. ये सारी बातें मेरे दिमाग में घुसा दी खुदा ने. अब मेरा संदेश शुरू हो रहा है. आप सब तैयार हैं? बिलीव मी मैसेज शुरू ही नहीं हुआ है. आप तैयार हैं?
अब पॉल कहता है मैं मर गया, बोलिए मर गया, बाजू वाले को बोलो मैं मर गया, हाँ बोलो 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 मैं मर गया, पीछे वाले बोलो मैं मर गया, यस। अब कौन रहने के लिए आया है? ओ प्रभु मैं दुआ करता हूँ बलांगीर के हर विश्वासी का मैं खत्म हो और तू उनमें रहने के लिए आए, आमेन। ओ लेट जीसस फॉर्म इन अस, यीशु हमें फॉर्म हो, आमीन। ओ हमारे जिंदगी में वो रहने के लिए आए, वो भरपूरी से आए। मैं कभी कभी खुदा से कहता हूं खुदा तू मेरे अंदर वैसे आ जैसे तू सुलेमान के मंदिर में आया था महिमा के साथ, आमीन। अच्छा क्यों पॉल यहां पर क्या कहता है कि खुदा ने मुझे यहां पर विश्वास से जीना सिखाया है, उस विश्वास से जो परमेश्वर के पुत्र पर है। अब सुनिए क्या होता है विश्वास से जीना, लिव बाय फेथ, विश्वास से जीना। इस ग्राउंड में जितने भी लोग हैं, जहां तक भी मेरी आवाज आ रही है, मेरे भाई मेरी बहन आप परेशान हैं क्योंकि आपने अपने जिंदगी में विश्वास से जीना नहीं सीखा। आपकी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, विश्वास से न जीने के कारण आज हम प्रॉब्लम। आप जानते हो विश्वास से जीना क्या होता है? आइए सामने देखिए, जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, बाइबल बताती है पहले के इंसान 900 से अधिक साल जीते। बाइबल का सबसे ज्यादा जीने वाला व्यक्ति मधुशेना था, उसके बाद देखिए आदम मोर देन 900 सी लिव। आप पढ़ के देखिए इब्राहिम, नोहा, हनोक 300 साल खुदा के साथ चला और वो जिंदा उठा लिया गया। बाइबल का इतिहास है लोग 900 साल जिंदगी जीते थे, पर आज आप इंसान की उम्र देखो 100 क्रॉस करना बहुत बड़ी बात हो गई है, 50 में लोग जा रहे हैं, 55 में लोग जा रहे हैं, 60 में लोग जा रहे हैं। कोविड-19 में मैंने मुंबई में 28 25 साल के लड़के जाते हुए देखे। क्यों मर रहे हैं लोग? परमेश्वर ने तो कहा था मनुष्य की उम्र 70 तो होगी होगी, बल के कारण 80। क्यों लोग आज समय से पहले मर रहे हैं आपको पता है? कारण क्या? इतनी बीमारियां हैं, किसी को बैक पेन है, किसी को स्टमक प्रॉब्लम है, किसी को सर दर्द है, किसी को बाइल्स की प्रॉब्लम है, किसी को रसौली है, पता नहीं क्या क्या तकलीफें हैं आज हमें। आप जानते हो ये सारी प्रॉब्लम्स कहां से स्टार्ट हुई है? मैं आपको इशारे से समझाना चाहता हूं, ऐसे कीजिए यहां रखिए, दिस इज अ प्रॉब्लम। अधिक सोचना, 90% प्रॉब्लम्स जो है ना, जानते हो किस वजह से है? स्ट्रेस, अधिक सोचने से। हम लोग इतना सोच रहे हैं आजकल, आपको पता है मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं जो 2023 में बैठकर 2030 की चिंता करते हैं। 2023 भी खत्म नहीं हुआ है, ओ 7 साल के बाद ये LIC के सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे, तू रहेगा वहां पर? हाँ, मैं गार्डन में वॉक कर रहा था, एक आंटी अपनी छोटी सी बच्ची को ऐसे देख रही थी, तो मैं वॉक कर, आंटी कहा सारा, सॉरी क्या हुआ? सूरज मैं बहुत परेशान। हाँ आंटी वो तो मुझे पता है, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन हुआ क्या? ये मेरी छोटी बेटी है 10 साल की। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी है, क्या प्रॉब्लम क्या है इसको? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सूरज, मैं सोच रही हूं जब इसकी शादी होगी तो उसकी सांस कैसी होगी। क्या बोलूं मैं? क्या क्या सोचते हैं हम लोग? कुछ लोग तो चिंता करने में प्रोफेशनल है, बोलिए प्रोफेशनल, सारा दिन बैठे रहेंगे,
इनको जिस दिन चिंता नहीं होती है ना, उस दिन ये इस बात की चिंता करते हैं क्या चिंता समार वेरी प्रोफेशनल, सारा दिन बैठ के सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे। मुझे एक बात बताइए, आपकी चिंता आपको किधर ले जाती है? यीशु ने कहा मनुष्य की आयु उसके सोचने से नहीं बढ़ती। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो कैसा हो चिंता करने से आयु बढ़ती है, उल्टा कम होती है। क्यों आप परेशान है मुझे बताइए? आप हंस रहे हैं बट मैं सीरियस हूं आपके लिए। मेरी प्रार्थना है आप में से हर व्यक्ति के लिए कोई भी समय से नहीं परमेश्वर के समय में जाए, ना कोई पहले समय से पहले जाए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने हमारे लिए एक बुलाहट रखी है, हम उस बुलाहट को पूरी करके यहां से जाएंगे। आमीन। हम भी पॉल की तरह कह पाएंगे हमने अपनी दौड़ पूरी की है, हमने अपने विश्वास की रखवाली की है। आज क्यों कई बार मीटिंग भी चलती रहेगी ना, लोग मीटिंग में भी खोए रहते। आजकल आप देखो जो लोग टू व्हीलर चलाते हैं, आपने देखा कभी कभी आप बीच रास्ते से गाड़ी चलाते हो और लोग बीच रास्ते से चलते रहते, कुछ अंदर ही नहीं जा। हमारे चर्च के नीचे एक नाला है पुरानी चर्च के, जहां मैं पहले प्रचार करता था, आपने देखा था पीछे ब्राउन कर्टन होते थे मेरे वो चर्च में। हम एक दिन नीचे गए तो कुछ लोग ऐसे नाली में खड़े होकर देख, नाले में देख रहे थे। एक बहन गिर गई थी, हमने उसको उठाया, हमने कहा बहन आप कैसे गिरे? बोला पता ही नहीं चला। मैंने कहा आपको पता नहीं चला आप कैसे गिरे? बोला नहीं एक्चुअली मन में ना कैलकुलेटर चालू था, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, ये कैसे बनेगा? कई लोग तो रात को सोए हुए रहते, रात को सोते समय भी मन चलता रहता है, क्यों इतनी चिंता? मैं नींद की गोलियां लेता था, मुझे नींद नहीं आती थी रात रात भर। मुझे गोली का नाम भी पता है आज तक मैं कौन सी टैबलेट लेता था। मुझे नींद नहीं आती थी, टेंशन में आके मैं अपने बदन को काटता था। आज भी मैं फुल स्लीव शर्ट पहनता हूं क्योंकि मैं अपने दांत दिखाना नहीं चाहता। मेरी हालत ऐसी थी डिप्रेशन में स्ट्रेस में, लोग समझाते थे सूरज सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, मेरे अंदर कुछ जाता ही नहीं था। मैं लोगों को हां हां करता था लेकिन मैं अंदर सोचता था कब ठीक होगा यार, कुछ भी ठीक नहीं होता। बहुत बार हम ये जानते भी नहीं है कि हम किन बातों के बारे में सोच रहे हैं। आज इंसान की उम्र स्ट्रेस के कारण कम हो रही है और हम विश्वासी लोग भी आज इसलिए परेशान हैं क्योंकि हमने विश्वास से जीना नहीं सीखा है। आप जानते हो विश्वास से जीना क्या होता है? पॉल यहां पर कहता है मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जीवित है और वो मसीह मुझे विश्वास से जीना सिखा रहा है। जानते हो विश्वास से जीना क्या होता है? सुनिए, आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने दास मूसा को बुलाया। परमेश्वर मूसा को कहता है जा मिस्र, वहां पर मेरे लोग गुलाम हैं, मैंने इब्राहिम से वादा किया था मैं उसके वंश को छुड़ाऊंगा, अब तू जा तू उनको वहां से निकाल के कनान ले जा। बाइबल बताती है मूसा ने ये बुलाहट एक्सेप्ट की खुदा के बार बार कहने के बाद, और जैसे ही वो वहां पर गया उसने फिरौन बादशाह के सामने खड़े होकर कहा लेट माई पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे। बाइबल बताती है स्टार्टिंग में फिरौन नहीं मान रहा था लेकिन बहुत सारी विपत्तियां भेजी गई, मेंढक छोड़ दिए गए, पानी लहू में बदल गया, आकाश से ओले गिरे, बहुत सारे काम परमेश्वर ने दिखाए और अंत में जब खुद फिरौन का बेटा मरने लगा तब उसे लगा कि अब मुझे इन लोगों को जाने देना पड़ेगा क्योंकि अब बात मेरे परिवार पे आ गई है। और जैसे ही कलाम कहता है उसने उसके लोगों को जाने दिया, आप जानते हो क्या हुआ वहां पर? जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा तुम जाओ यहां से निकलो, वचन कहता है लाखों इजरायली अपने घर से निकलकर कनान की तरफ गए और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे वचन कहता है उनके सामने एक समुंदर आया। कहिए समुंदर, क्या नाम था उसका? कहिए लाल समुंदर। हाँ बोलिए लाल समुंदर।
मैंने इसके ऊपर एक जोक सुना था, आप सुनना चाहते हो? एक दिन एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, उसने कहा परमेश्वर ने मिस्र की सेना को लाल समुद्र में डुबा के खत्म कर दिया। एक आदमी उठा, उसने कहा आप झूठ बोल रहे हो। बोला क्यों? बोला इतना सा पानी था 1.5 फीट का, क्या दो बार किया चुपचाप से 1.5 फीट के पानी में तो बच्चे भी निकल जाते हैं। उस परमेश्वर के दास ने कहा हालेलुया, परमेश्वर ने 1.5 फीट के पानी में मिस्र की सारी सेना को डुबा दिया। Our God is awesome God. And you know, बाइबल बताती है जब लोग वहां से निकल रहे थे तब सामने समुंदर आया। बोलिए समुंदर आया। और जैसे ही समुंदर आया पीछे से फिरौन भी उन्हें पकड़ने के लिए वापस निकला। अब ये लोग मूसा के पास जाके कहते हैं, सी देयर एटीट्यूड, इनका बिहेवियर देखिए। मूसा को जाके कहते हैं क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? क्या उधर मरने के बाद जमीन नहीं थी जो तू हमें यहां लेकर आया? और जानते हो मूसा ने क्या कहा? बोला चुप करके खड़े रहो, आज के बाद वो रथ तुम्हें कभी नहीं दिखाई देंगे। और मूसा ने अपनी लाठी ली, कलाम कहता है उसने मारी, और आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो समुंदर दो भाग हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तो मूसा था जिसने दो भाग कर दिया। ईशू होता तो पानी पे चला देता। चलो पानी पे चलो, मैं देखता हूं तुम्हें कौन रोकता। ये तो मूसा था जिसने लाल समुंदर दो भाग किया, ईशू होता ना पानी पे चला देता। और जैसे ही लाल समुंदर दो बार हुआ, आपने देखा कैसे इसराइली उस जमीन पे उतरे और आहिस्ते आहिस्ते वो वहां से उस पार चले गए। आपको पता है इतिहास कहता है कि जमीन पे पानी होने के बाद जमीन गीली हो जाती है, नरम हो जाती है, लेकिन कलाम कहता है ये जमीन सूखी हुई थी। विश्वास ही से इसराइली ऐसे उतरे मानो वो सूखी भूमि पर उतर रहे हैं, इब्रानियों में लिखा। और जब वो लोग उस पार वहां पर पहुंचे, आपको पता है एक समय ऐसा आया इन्हें कनान जाना था, लेकिन मूसा मर गया। अब सारी जिम्मेदारी यहोशू पे आ गई। और जैसे यहोशू इन्हें अंदर लेके जा रहा था, आपको पता है वहां क्या हुआ? Oh, I love this passage. मुझे ये वचन बहुत पसंद है। लिखा है उनके सामने यर्दन नदी आई, और जैसे वो यर्दन नदी आई, आपको पता है यर्दन नदी भी दो बार हुई थी, लेकिन इस बार एक काम अलग हुआ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर के पास आओगे ना, कुछ समय तक वो हर चीज आपको अपनी दया से देगा। कुछ नहीं देखेगा आप कैसे हो। मैंने एक जगह बाइबल में नहीं पढ़ा जहां पर यीशु मसीह लोगों को चंगाई ये बोल के कहे क्या तू पवित्र है, क्या तू 10 आज्ञाओं को मानता है, आर यू फॉलोइंग द मोसाइक लॉ, क्या तू मूसा की सारी व्यवस्था को मानता है। He never said a single word. वो just अपने compassion पे देता था। लाल समुंदर एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर ने उनके कुड़कुड़ाने के बाद भी उनके सामने दो समुंदर के दो भाग कर दिए और वो उनमें से चले। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर एक दिन ऐसा आएगा जब वो आपको दया से नहीं देगा, अब वो आपको विश्वास से जीना सिखाएगा। जानते हो क्या हुआ? कलाम कहता है परमेश्वर ने लाल समुंदर दो बात किया, वे उसमें चल दिए, उनका लीडर मर गया और जिम्मेदारी यहोशू पे आई। और जैसे यहोशू के सामने यर्दन नदी आई, जानते हो यहोशू ने इस बार उसको कैसे दो बात किया? उसने मूसा की लाठी नहीं ढूंढी। कहां है वो लाठी मेरे लीडर की जो उसने पानी में डाली थी? जानते हो उसने क्या किया? उससे संदूक उठाया और याजकों को कहा चलो तुम्हारे। जानते हो यर्दन नदी दो भाग नहीं हुई थी, लाल समुंदर दो भाग हुआ और वो चल दिए, लेकिन कलाम कहता है यर्दन तब दो भाग हुई जब उन्होंने पैर रखा। जैसे ही उन्होंने पैर रखा वो नदी अपना रास्ता दे रही थी। एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर अपनी दया से सब कुछ देगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो आपको कहेगा रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो भी विश्वास से आगे बढ़ो। Live by faith.
वेट मत करिए कि सब ठीक होगा, उसके बाद मैं खुश रहूंगा। अपनी परीक्षाओं में भी आनंद करिए, धन्यवाद करिए, आपकी दया यर्दन दो भाग हो जाएगी। बहुत बार परमेश्वर अपनी दया से सब कुछ ठीक करता है, लेकिन कई बार परमेश्वर आपसे कहता है आगे बढ़। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आप देखोगे खुदा कैसे आपके रास्ते खोल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों खुश नहीं है आप? क्योंकि आप वेट कर रहे हैं सब ठीक हो जाए, आप वेट कर रहे हैं सब अच्छा हो जाए। कितने लोग हैं यहां पर जो यहुन्ना की तरह हैं, कभी बोलते हैं देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये जगत का उद्धार करता है, ये है, जो ये वो है, लेकिन जब जेल में जाते हैं तो सोचते हैं आने वाला यही था कि कोई और है। क्या आप ऐसे हैं? क्या पौल और सिलास की तरह हैं जो जेल में जाने के बाद भी परमेश्वर की आराधना करते हैं? Who are you? क्या आपने फेस से जीना सीखा है? मैं मसीह में आया, मेरी मम्मी ठीक हो गई। मैं मसीह में आया, मेरे पापा ठीक हो गए। मेरी बहन को बच्चा नहीं था, खुदा ने मुझे नेफ्यू दिया। हर काम परमेश्वर ने दया से कर दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि मैं मांग मांग के थक गया, मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं पहले मांगता भी नहीं था, आप ऐसे ही देते थे, अब मांग रहा हूं तो भी नहीं दे रहे थे। हाँ, लाल समुंदर दो बार हो चुका है, अब तुझे यर्दन से निकलना है, अब तुझे विश्वास से आगे बढ़। मेरी बहनों, वेट मत कीजिए कि एक दिन मेरा पति शराब छोड़ेगा, एंड देन आई प्रेज द लॉर्ड, मैं प्रभु को सारी महिमा दूंगी क्योंकि वो खुदा में आएगा। विश्वास से देखना शुरू करो, शराब छोड़ो, वो पास्टर बनेगा, वो उपवास करेगा। ये बाइबल का इतिहास रहा है, जिन लोगों ने विरोध किया है ना, उन्हीं को परमेश्वर ने संभाल किया है। बाइबल की 13 पत्रियां उस व्यक्ति ने लिखी जो खुदावन का खिलाफ था। आप नहीं जानते हो कि आपका परमेश्वर कौन है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस व्यक्ति को जानते। एक दिन सड़क हादसे में इस व्यक्ति की, ऐसा कहा जाता है, 80 हड्डियां टूटी। जब उसको उठाया जा रहा था ना, तब लोग समझ नहीं पा रहे थे कहां से उठाएं। 80 हड्डियां टूटी थी इस बंदे की। उठा के डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर कंफ्यूज हो गए कहां से शुरू करें सर्जरी, इतनी हड्डियां टूटी थी एक्सीडेंट में। आखिर डॉक्टरों ने इलाज चालू किया, इलाज चालू करने के बाद आहिस्ते आहिस्ते हड्डी जोड़ने का काम स्टार्ट हुआ। 6 महीने ये बंदा 182 दिन अस्पताल में रहा, उसकी बायोग्राफी में लिखा है। 182 दिनों के बाद जब घर जा रहा था, डॉक्टरों ने उससे पूछा, आप कैसा फील कर रहे हैं? बोलता है, अभी भी दर्द है, दर्द के साथ घर गया। एक दिन घर पर बैठा था व्हीलचेयर पे, व्हीलचेयर पे चलता था हमेशा। एक दिन उसे ऐसा लगा कि उसके घर के पास में कलीसिया है, उसे वहां जाना चाहिए। जैसे वो वहां पर गया, गेट पर पहुंचा था, एक व्यक्ति वहां पर प्रचार कर रहा था। उसका संदेश था, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। जब उसने वचन को सुना, चंगा, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा चंगाई की जरूरत थी, हीलिंग की नीड थी उसे। जब उसने ये वचन सुना, वो अंदर चला गया। 1 घंटा उसने खुदा का कलाम सुना और 1 घंटे के बाद वो घर आ गया। इंफॉर्मेशन निकाल के आया वहां से, ये चर्च फिर कब लगती है, और अगले दिन भी वहां चला गया, वचन सुन के वापस आया। 3 महीने के बाद उसने अपनी गवाही में लिखा, मेरी हड्डी हड्डी ठीक हो चुकी है। उसी व्यक्ति ने पिक्चर बनाई,
पैशन ऑफ द क्राइस्ट बैप्टिज्म। आप जिस व्यक्ति की पिक्चर देखते हैं ना पैशन ऑफ द क्राइस्ट, उसका डायरेक्टर है मेल गिब्सन। मेल गिब्सन की 80 हड्डियां टूटी थी, इसीलिए अपनी मूवी के अंदर वो पहली चीज लिखता है शुरू होने से पहले ब्लैक अक्षरों में, उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, उड़ीसा आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक होने के बाद खुश होते हैं? क्या वो व्यक्ति हैं जो यीशु की तरह तूफानों में सोए हैं, क्योंकि आप जानते हैं परमेश्वर जाग रहा है। अगर मैं उस बोट में होता ना और यीशु मसीह खड़े होकर कहता हे तूफान शांत हो जा, मैं प्रभु को यह कहता, प्रभु मेरे को ये नहीं सीखना है, मेरे को ये सीखना है तू सोया कैसे था। आई वॉन्ट टू लर्न कि तूफानों में सोया कैसे जाता है। तूफान किसी और को शांत करना सिखा दे खुदा, मुझे तूफानों में सोना सिखा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो इसीलिए रात को सोते हैं क्योंकि आप जानते हो आपका रखवाला जाग रहा है? कितने लोग हैं जो विश्वास से जिंदगी जीते हैं कि भले ही आज जो मांगा मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरा भरोसा है कल मैं देखूंगा उसे। इसीलिए अय्यूब कहता है जिन बातों को मैंने सुना, मैंने उन बातों को अपनी आंखों से देखा। वेट मत कीजिए, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा, दुनिया की नहीं। जानते हो दुनिया की शांति क्या होती है और यीशु की शांति क्या होती है? दुनिया की शांति ये है सब ठीक है इसीलिए शांति है। जानते हो यीशु की शांति क्या होती है? सब बिगड़ा हुआ है तो भी मैं शांत हूं क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। यू लिविंग बाय फेथ। सत्रह साल की बच्ची अगर कलीसिया में पाइप लगा के नोस में मास्क पहन के आती थी, अगर आप उसका हाथ पकड़ो ना तो आपको मास्क मिलेगा ही नहीं, सिर्फ हड्डियां मिलेंगी। चुपचाप से आती थी, मिलती भी नहीं थी मुझसे कभी। यहां से ले यहां से पाइप था अंदर और पाइप हाथ में था, आईब्रोज उड़ गए थे, बाल निकल गए थे। एक दिन मुझसे मिलने आई, उससे मुझे हाथ मिलाया, मुझे उसका हाथ इतना लग गया, उसके हाथ में मांस ही नहीं, कैंसर ने उसको सुखा लिया। 3 महीने वो कंटिन्यू चर्च में आई, उसे प्रभु का वचन सुना, खुदा का कलाम सुना। 3 महीने के बाद वो एक दिन डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसे कहा तेरे बदन में कैंसर नहीं है। आपको बताना चाहता हूं वो बिल्कुल बनी चंगी है, आज खुदा के लिए जिंदगी जी रही है। यू लिव बाय फेथ नॉट बाय साइट। विश्वास से जीना सीखे, अपनी भावनाओं से नहीं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं इससे नहीं, मुझे क्या लग रहा है नहीं, मुझे एक ही बात पता है जो इसमें लिखा है वही होगा। हमारा विश्वास खुदा के कलाम पे होना चाहिए, जो इसमें लिखा है वो होगा। आप जानते हो शाऊल दाऊद को देख, शाऊल गोलियत को देख के क्यों डरा, लेकिन दाऊद गोलियत को देख के बोल्ड क्यों था? उसका एक कारण था, शाऊल ने जब गोलियत को देखा तो उसने ये सोचा होगा कि मैं इससे कैसे लड़ूंगा, ये तो मुझसे ताकतवर है, ये तो मुझे मार देगा। लेकिन जब दाऊद ने गोलियत को देखा वो ये सोचता होगा ये खुदा से कैसे बचे, ये खुदा से कैसे बचेगा। इसीलिए दाऊद ने 5 पत्थर लिए। क्या विश्वास था दाऊद का कि 5 में से 1 तो लगेगा? क्या विश्वास था दाऊद का 5 से तो मरेगा? क्या विश्वास था दाऊद का 5 में से 1 तो लग ही जाएगा मुझे? आप जानते हो इतिहास कहता है गोलियत के और 4 भाई भी थे, दाऊद 5 को मारने निकला, वो 5 को मारने निकला। तुम लोग एक ही बात कर रहे हो, 5 पत्थर दे आज मैं इनको नहीं छोड़ूंगा।
और वहां पर खड़े होकर कहता है, ये खतना रहित फिलिस्तीनी, ये इब्राहिम का बेटा भी नहीं है, ये वाचाओं का भागी भी नहीं है, ये हमसे लड़ेगा। ओ पत्थर उठाता है, उसे मारता है, मरने के बाद उसकी गर्दन काट के जबूर कहता है और कहता है वो अपने मुंह से वचन सहायता में, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। कोई भी युद्ध इसीलिए नहीं लड़ा जाता क्योंकि आप एक प्रेयर वॉरियर हैं, आप बहुत बाइबल स्टडी करते हैं। हर युद्ध परमेश्वर को देख के लड़ना चाहिए कि वो हमारे साथ। आज बहुत सारे लोग वेट करते हैं, ओ मैं बिलीव करता हूं एक दिन सब ठीक हो जाएगा, मेरा परिवार विश्वास में आएगा, मेरी बीमारी चंगी हो जाएगी, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अब वेट करना बंद कीजिए, सेलिब्रेट करना स्टार्ट कीजिए कि जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल चुका है खुदा की तरफ से। यदि तुम इस पहाड़ से कहो उखड़ और शक न करो, तो जो तुमने मांगा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा विश्वास है, तुम्हें मिल चुका है। That is a reason तुम्हें मिल जाएगा, because तुम्हारे अंदर faith है। आइए अपने हाथ को उठाएं, come on मेरे साथ कहिए, प्रभु धन्यवाद लाल समुंदर दो बात करने के लिए, अब मुझे यर्दन क्रॉस करना सिखा, अब मुझे विश्वास से जीना सिखा, मैं हर दिन आनंद करूं क्योंकि मैं जानता हूं तू जाग रहा है, तू मेरे साथ है। आमेन। कम ऑन गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आज आप यहां से कैसे 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 जाएंगे मुझे बताइए, मुंह लटका के आप लोग कैसे जाएंगे आज यहां से? हाँ, आज आपको यहां से जाते समय चार लोगों को कुछ बोल के जाना है, बोलिए चार लोग। आज आप जब यहां से जाओगे चार लोगों पकड़ के, जिनको आप जानते हो, नहीं जानते हो तो बात अलग है, लेकिन जिनको आप जानते हो उनको ये कह के जाना है तेरी सारी दुआओं के उत्तर आने वाले हैं। कहिए आमीन। कितने लोग आज चार लोगों को यहां से कह के जाएंगे? Yes. यहां से जब बाहर निकलेंगे आज थम्सअप का दो लीटर का बॉटल लेके जाना, घर जाके बर्फ डाल के पीना। आपका घर वाले बोलेंगे क्या हुआ, उनको बोलो सारी दुआओं के उत्तर आ गए, आई एम सेलिब्रेटिंग। अपने विश्वास को अपने कार्यों में दिखाइए। आमेन। आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने वचन लिया है, सबके फेस पे स्माइल है। विश्वास ये नहीं होता कि खुदा करेगा, विश्वास ये है उसने किया है, उसने किया है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं 2023 वो साल है जब हमारा पूरा परिवार यीशु मसीह को स्वीकारेगा। कहिए आमीन। बोलिए ये वो साल है जब मेरा परिवार बचाया जाएगा। ये वो साल है जब परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरेगा। ये वो साल है जब मैं यीशु को देखूंगा। ये वो साल है मैं खुदा से भर के जिंदगी जीऊंगा। ये वो साल है जब परमेश्वर मेरा उपयोग करेगा, न तो बल से न शक्ति से परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा हो जाएगा। आमीन। यस आमीन। मेरा मैसेज खत्म हो चुका है, लेकिन मैं बंद करने से पहले बस मैं आपके लिए वही पढ़ रहा हूं जो मैंने पहले पढ़ा। आई लव दिस मैन, मुझे इस आदमी से प्यार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो
तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। कितने लोग आज ये निर्णय ले रहे हैं कि मैं विश्वास से जीवे आज के बाद, वेट नहीं करेंगे, हर दिन धन्यवाद देंगे, हर दिन शुक्रगुजारी करेंगे, हर दिन उसे महिमा देंगे। हम जानते हैं हम लाल समुद्र से दो भाग हो चुके हैं, पर अब वो हमें यर्दन की तरफ ले जा रहा है, वो अपने बच्चों को मैच्योर कर रहा है। आमीन। आमीन।